कोई कोक शोक पिला दें, नहीं कोक नहीं दूसरी पिला दें, वो क्या पिला दें? स्प्राइट या फिर सेवन अप। अभी ले आता, माशाल्लाह। अभी देखो रास्ता है नहीं तो मैं क्या करूँ, गरीब बेचारा। सही बात है, किधर जा रहे हैं अभी? मैं अभी कुछ अच्छी सी कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ जिसमें अभी पिएंगे। तो पर्स भी लेके जाए ना सर, लेस शेस भी लेके आनी है। क्या कर रहे हो शमसू? गाड़ी चला रहा हूँ, सबको मारना है। शमसू गाड़ी चला रहा है। बंद कर दिया है वरना हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। क्या कर रहे हो बच्चों? नेट पकड़ा रही हूँ। नेट पकड़ा रही हूँ, सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ जी, एक घंटे के बाद 1% जाके होती है। होए होए, ऐसा क्या हुआ? वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ नहीं, वैसे बैठी हूँ। अच्छा ना भाई, ना 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 ना, आराम से बैठो शमसू। ना चलाओ गाड़ी, हमारे पाँव भी नहीं जाते वहाँ पे। कोक लेने के लिए गए हैं वो, देखें आ गए अबू। आप कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए हैं तो शमसू गाड़ी चला रहा था। मैं खुद आ गया, मैं खुद चलाऊंगा ना। इतनी बड़ी बोतल ये कौन पिएगा इतनी सारी? ये देखें जी, इतनी बड़ी बोतल किसी ने पी है? चले जी। वाह, इलाका देखें माशाल्लाह से। वैसे ये ना बंदे के ना ऐसी जगह पे घर होना चाहिए। वो देखें, वो घर है भी सही। नहीं वो घर, वो नहीं घर तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। देखें मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ये देखें घर बहुत ज्यादा है। वो देखें सामने आपको नजर आ रहे होंगे माशाल्लाह, बहुत प्रोटोकॉल वाले और VIP घर है। तो कहने का मकसद ये भी है, देखें ये एरे बने पड़े हैं तो यहाँ पे मकान है। लेना कौन सी मुश्किल बात है, लेकिन रहना मुश्किल है। रहना मुश्किल है, तो जमीन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, घर बनाना मुश्किल नहीं है। देखें ना बात, बच्चों की सहूलत ना हो, पढ़ाई ना हो, वहाँ पे उनका मुस्तकबिल अच्छा ना हो सके तो फिर फायदा नहीं है। देखें अब, देखें ये, देखें ये अभी इस जंगल में कैसे यहाँ पे घर रह सकता है और बंदा रह सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रेगिस्तान में और बोतल, वो भी ड्यू की, क्या बात है, क्या बात है। अभी मेरे होते हुए ठंडी ठंडी नहीं, मेरे होते हुए मेरे बच्चों की हैं मौजें। अब ये देखें दोस्तों व्यूअर, ये देखें माशाल्लाह। अब हम जहाँ से गुजर रहे थे ना, ये रास्ता है और माशाल्लाह पीछे देखें ये बकरियाँ हैं। ये देखें माशाल्लाह बकरियाँ चराने वाले आए हुए हैं। तो हम जहाँ से हम निकले ना, आप घर पर रवाना हो चुके हैं रिश्तेदारों के घर से, तो हमने ना तो बच्चों ने कहा है पीछे बोतल ली है, एक शॉप थी तो वहाँ से बोतल ली। हमने कहा जाके रिलैक्स जगह देखते हैं, वहाँ पे बोतल पीते हैं और थोड़ा बच्चे एंजॉय कर लेंगे। हाँ जी, चलें फिर भी अल्लाह पाक की रहमत से एक दरख्त की जगह मिली है हमें, जो जिसके साए पे हम ठहरे हुए हैं। चलें जी, क्या कर रहे हो माँ? बोतल पी, बोतल पी रहे हैं, किसी ने पी नहीं है तो मोस्ट वेलकम। और ये देखें बोतल भी, फैमिली पैक है। फैमिली पैक है, सही बात। छोटी नहीं, छोटी का काम नहीं है ना, फैमिली बहुत बड़ी है तो छोटी बोतल कहाँ काम आएगी। असल में ना एक मजे की बात बताऊँ, जब हम ना कभी भी गलती से छोटी बोतल ले लेना, जैसे बड़ी ठंडी नहीं होती, छोटी ले लेते हैं, तो हस्बैंड कहते हैं कि जैसे लगता है सिर्फ गले को पता चला है कि कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब छोटी बोतल इतनी बड़ी फैमिली में, वही बात है, गला गीला होगा, थोड़ा सा महसूस होगा जायका, और बोतल खत्म हो जाएगी, फिर फायदा आया तो फिर फायदा नहीं। बोतल जो है बड़ी लेते हैं और मजे से पीते हैं। चलें जी ठीक है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। आप इंजॉय करें, बोतल शोतल पिए, फिर घर के लिए रवाना होते हैं। यहाँ ये देखें हमने, हाँ दिखाता हूँ, हमने इस रास्ते से जाना है, ये जो रास्ता है ना, हमने इस रास्ते से जाना है। तो जहाँ से निकले थे वहाँ से बहुत सफ़र कर चुके थे ना, इसलिए हमने कहा रास्ते में बहुत अच्छा था, तो इन्जॉय करते हैं बच्चे। क्या ख्याल है, अभी चले चलते हैं जी, धूप काफी ज्यादा। ओके जी, ओके जनाब। रास्ता देखा है, अब कैसे जाएंगे यहाँ से, क्यों आए हो आप यहाँ पे? ओ यार ये बात नहीं है, रास्ता खराब हो चाहे रास्ता सही हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अब मामू की तबीयत खराब थी, उनको पूछना लाजमी आना था। अगर बात यह है ना, इसका मतलब है रास्ता खराब था, अपनों को कैसे छोड़ा जा सकता है? रास्ता सही है या खराब है, नियत होनी चाहिए। अब उनको पूछने आना था, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे चले चलेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, मजबूरी है। थोड़ा हमारे व्यूअर को रास्ता दिखाएं कि हमारा रास्ता कैसा है, सारा रोड ऐसा है ये, और काफ़ी दूर तक ऐसा रोड है। ये तो सही बात की है आपने कि चाहे जितने ही घटन, जितने ही मुश्किल हो, तो अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है, देखें इसका मतलब ये नहीं कोई मुश्किल आ जाए, अगर कोई मुश्किल बात हो या मुश्किल लम्हे हो या मुश्किल वक्त हो, तो अपनों से दूर नहीं होना चाहिए, ना ही अपनों को छोड़ना चाहिए। मुश्किल वक्त में किसी, अपना मुश्किल वक्त में किसी का भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बात है, अल्लाह पाक की रहमत से ऐसा होना चाहिए और हमेशा
मुखलिस लोग और अच्छे दोस्त, हमेशा अच्छी फैमिली पास और साथ रहते हैं। आप जोर का बोला करें, जब आप बोलते हैं तो वीडियो में आवाज़ नहीं होती। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी अभी आ रही है। चलिए ठीक है, अभी यही बोल रहे हैं। इलाका देखें जी। अच्छा व्यूअर्स, गाड़ी हमारी जो है ऊपर रोड पे ठहरी हुई है, तो हम नीचे रेस्ट करने के लिए आ गए। हमने कहा चलो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका ले लें, उसके बाद चले जाएंगे मुजफ्फरगढ़। अभी हम रास्ते में हैं तो मुजफ्फरगढ़ में तो ये हवा नसीब नहीं होगी ना, वहाँ तो बस सुबह 7 बजे रूम में चले जाना है और पंखा लगा के बैठना है, सोना है, वहाँ काम काज करने हैं, ऐसी हवा तो फिर नसीब नहीं होती। और ये देखें कस्सी के साथ ही हम बैठे हुए हैं, इसमें पानी भी है और इस वक्त हम घास के साथ ही बैठे हैं और वीडियो भी हमारी तकरीबन ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो का यहीं पर ही एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय।